नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राशिफल का, तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल और जानते हैं कैसा रहेगा आज का आपका दिन। मेष राशि, आज कार्य क्षेत्र में आई परेशानियां कम होंगी। सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार बनाने की कोशिश करें। पहले से सोचे समझे कार्य में सफलता प्राप्त होने की संभावना रहेगी। उपाय, आज जौ के दाने गौमूत्र में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। वृषभ राशि, राजनीति में वर्चस्व स्थापित होगा, पुराने मित्र से भेंट होगी। साबुत हरी मूंग किसी वृद्ध महिला को दान दें। मिथुन राशि, आज के दिन अपने व्यवहार को अच्छा बनाने की कोशिश करें, समाज में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करें। उपाय, आज सोने में पीला टाइगर बनवाकर धारण करें। कर्क राशि, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपाय, अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनकी सेवा करें। सिंह राशि, आज कार्य क्षेत्र में अत्यधिक संघर्ष एवं परिश्रम करना पड़ सकता है, छोटी छोटी यात्राओं के अधिक योग बनेंगे। उपाय, आज अरहर की दाल दान में दें। कन्या राशि, व्यापारिक स्थिति सुधरेगी, पूरे देश से किसी परिजन का शुभ संदेश प्राप्त होगा। उपाय, सूर्य देव की आराधना करें। तुला राशि, महत्वपूर्ण कार्य में सोच समझकर निर्णय लें, कार्य क्षेत्र में चली आ रही विघ्न बाधाएं कम होंगी। उपाय, आज श्वेत कमल पानी में डालकर स्नान करें। वृश्चिक राशि, कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी, राजनीति में पद एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय, हरा चारा गाय को खिलाएं। धनु राशि, आज राजनीति में आपकी ओजस्वी भाषण की चारों ओर चर्चा होगी, व्यापार में आपकी सूझबूझ से बड़ी समस्या टल जाएगी। उपाय, एक ओपल रत्न सवा रत्ती का चांदी में मड़वा कर धारण करें। मकर राशि, आज मजदूर वर्ग को रोजगार मिलेगा, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। उपाय, आज माँ दुर्गा की पूजा करें। कुंभ राशि, कोई शुभ समाचार मिलेगा, किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। उपाय, सुंदर कांड का विधि पूर्वक पाठ करें। मीन राशि, बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन बढ़ने का शुभ समाचार मिलेगा, मजदूर वर्ग को रोजगार प्राप्त होगा। उपाय, भगवान विष्णु की आराधना करें। फिलहाल आज के राशिफल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।